अभी यहाँ क्यों नहीं यार, अभी बात करते हैं। ओह मरवाएगा तू, यहाँ पे ये बात नहीं हो सकती। क्यों? कि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं? अच्छा, तू सुन मेरी बात। सुन बोलो क्या? माय डियरेस्ट अलीना, मुझे आपसे एक काम है। आज से जितनी भी डीलिंग होगी बॉस से होगी, चमचों से नहीं। और हाँ, अपने बॉस से कह देना कि मुझे कोई भी काम होगा तो अपॉइंटमेंट लेकर उनको ऑफिस में मिलूंगी। ओके? बॉस अपॉइंटमेंट कुछ कहिए ना। इजी अलीना, एक्चुअली ये वाकई इनोसेंट है। बहुत मजबूरियां थी बेचारे की, और अगर तुम एक मौका दे दो तो वो कन्फेशन करना चाहे। एक्सक्यूज मी, ये सारी मजबूरियां और कन्फेशन तुम लड़कों के ही क्यों होते? और ये सारी बातें उस वक्त क्यों नहीं याद आती जब इतने धड़ल्ले से बीबीस से बातें करते हो? याद है, सब कुछ याद है, तो इसी वजह से तो माफी मांग रहा हूं मैं। आई एम सॉरी। और बीबीस, ओह माय गॉड, क्या कह रही है? बेबी, 6 साल की नीस है मेरी। हाँ वो, अरे हाँ हाँ, तानिया इसकी 6 साल की नीस। हमारी नीस, हमारी समझ लो। पता है इतने से इतना किया, उसको कंधे पे खिलाया हमने। और तुम शक कर रही हो। सुनो मैं क्या कह रहा था कि अब आगे का जो बाकी का एपिसोड है उसको अगर हम मॉल में करें तो एक ही लोकेशन देख देख के ऑडियंस भी बोर हो गई होगी और मैं भी बोर हो गया, तो तुम किसी भी तरह बहाना करके जोया को ले आओ ना मॉल में। सी, रेहान को तो मैं ऑफिस में मिलूंगी। ओके, एक्सक्यूज मी। Anyways, वो किसी भी तरह मॉल में नहीं आए। क्यों? मेरा मतलब है कि नहीं, मेरा मतलब चुप रहे यार। मेरा मतलब है कि तुम तो बहन हो ना उसकी, तो तुम कोई भी बहाना मार के ले आओ उसको वहां पे। लेकिन कैसे? कैसे? अरे वैसे वैसे नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, देख सोचना पड़ेगा, सोच रहे। जोया, देखना मेरा लाइनर बैलेंस लगा है। हाँ, कहीं जा रही हो? हाँ, शौकी के साथ ना मैं मॉल जा रही हूँ। शौकी? पहली बात शौकी नाम नहीं है उसका, शाहरुख नाम है। और क्यों जा रही हो? जोया प्लीज अपने ईगो पे मत लो। शौकी आई मीन शाहरुख जो है वो डिटेल में अपनी बात बताना चाहता है, फिर मॉम ने सुन लिया तो इसलिए मॉल जा रहे। तो तैयार हो कि क्यों जा रही हो? अगर उससे मिलने जा रही हो तो प्लीज जेलस मत हो, क्योंकि साथ रेहान भी जा रहे हैं। बट यू नेवर नो, शाहरुख इतना हैंडसम है, अमीर है, मेरा ईमान डगमगा सकता है। लीना, लीना तुम्हें पता है उसने किया क्या है? उसने तुम्हें किडनैप कर लिया तो, तुम्हें अकेला समझ के मासूम होने का फायदा उठा लिया तो? तो अरे नहीं नहीं मौली तो जा रहे हैं, दोनों क्या ही कर लेंगे। वैसे भी यू नो मी, आई विल हैंडल दिस, वी विल हैंडल दिस। मतलब मैं साथ जाऊंगी। Are you sure? Yeah, I'm sure. ठीक है, सही है, फिर तुम रेडी हो जाओ। रेडी होती है मेरी जूती। जूती को भी रेडी करके ले। I'm waiting. टॉर्च मैं के लिए। सोया, सोया एक मिनट यार। क्या है? वो रेहान ने अलीना के लिए लेटर लिखा है। हाँ हाँ, और वो सुनाना बहुत जरूरी है। अब निकालो? नहीं अभी नहीं, या नहीं अगर हम कहीं बैठ सके तो बात भी हो जाएगी और लेटर भी सुन लेंगे। प्लीज जोया, प्लीज मेरे लिए लेटर पढ़ना है मुझे। मिस्टर शाहरुख, अगर मजीद मेरा टाइम वेस्ट करने का इरादा नहीं है तो प्लीज अपने दोस्त से कहें कि जो लेटर इसने पढ़ना था पढ़े। या जान, लेटर? हाँ लेटर पढ़ो पढ़ो, शाबाश, बहुत अच्छा लेटर, पढ़ो।
तूने लिखा है ना तो तेरे पास होगा। लेटर? हाँ लेटर आपके लिए। पॉकेट में होगा ना रेहान? बिल बिल में है, लिखा हुआ बिल बिल बिल। हाँ बिल मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। Dear Cinderella, I बस इतना कौन बेचता है Cinderella को? ये सुनने तुमने मैं जा। पर एक मिनट सोया, वो Cinderella मैंने खुद से ऐड कर दिया था। हाँ खुद से क्यों किया है? आप सिर्फ वो पढ़े ना जो प्लीज जो मैंने लिखा है। हाँ जो रेहान ने लिखा है बस वो पढ़। हाँ मैं वही वही पढ़ूंगा जो रेहान ने लिखा। प्लीज प्लीज आई विल। रेहान ने जो लिखा है। हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा, पर यकीन जानो कभी भी मोहब्बत में आटे में नमक बराबर भी बदयांती नहीं की मैंने। हमेशा बस तुम्हें चाहा है सबसे ज्यादा। मैं तुम्हें उतनी शिद्दत से चाहता हूँ जितनी शिद्दत से ट्रेडिशनल लव स्टोरीज में आशिक अपनी महबूबा को चाहते थे, जैसे मजनू तड़पता रहा अपनी सस्सी को डूबता देखते हुए, मिर्जा लैला के लिए रातों को जागता रहा, बिल्कुल उसी तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूं। तो हर मोहब्बत में एक मौका तो मिलता ही, जानता हूं गलती की है, एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। क्या 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 लिखा है? So emotional. इतने ही दिल से अगर ये सब कुछ लिखा है तो थोड़ी रिसर्च भी कर लेनी थी। मिर्जा ने तीर खाए थे अपनी साहिबा के लिए और महीवाल तड़पता रहा अपनी डूबती सोनी के लिए। जो तुमने सारी लव स्टोरीज का मिल्कशेक बना दिया है ना, इससे तो सिर्फ ये ही इंप्रेस हो सकती है मैं नहीं। शायद तुम प्लीज इमोशंस देखो ना। तुम देखो ना इमोशंस अब। सो ये जो तुम्हारी बहन है ना ये तुमने मेरे लिए लिखा है? हाँ यार रुको यार, तुमने क्या कल से दौड़े लगाना शुरू की हुई है? क्या रुकूं और क्या सुनूं, सब पता तो है मुझे। क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम जैसे स्पॉइल्ड रिच लड़कों को ना ऐसे किक नहीं मिलती। कौन सी किक? ओ भाई मैंने ना सारे पाकिस्तानी ड्रामे देखे हुए हैं, ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना अल्फा टॉक्सिक हीरो का, जिसको गरीब बेचारी सीधी सादी मासूम लड़की से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो उसको स्टॉक करते हैं, उसको चेस करते हैं और कभी कभी तो किडनैप भी कर लेते हैं और जज्बात में आके फंसा ही लेता है ना। पर जोया ये क्या जोया, बेचारी लड़की के पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उसको थक हार के रो के मानना ही पड़ता है। लेकिन हेलो अपनी क्लास की लड़की को चेस करना ना आसान है, पर असल मिशन खुददार लड़की को चेस करना है। सोया आर यू सीरियस राइट नाउ? या आई एम रियली सीरियस राइट नाउ। कल सुबह जाओ ना लाली जी के पास, उनको टाटा बाय बाय कहो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें उनके सामने एक्सपोज कर दूंगी। मैं बता रही हूँ बस बहुत हो गया। और मैंने ना इंसेप्शन देखी हुई है, सारी समझ है मुझे। इंसेप्शन का इससे क्या ताल्लुक? ओ यार शमा आप बात करें ना भाईजान से। मैं कैसे बात करूं? शमा जी आपकी बात तो सीधा भाईजान के दिल में उतर जाती है। अच्छा चुप खड़ा है, जरूर कोई बात है।
तुमने यहाँ आकर अपनी शामत को दावत दी है। इजहार हमारा शेर है, बाकी हेर फेर है। कि तुम्हारी माजी में की गई बेवकूफियां कब मेरी जान छोड़ेंगी? उस अहमक और जाहिल पहलवान की वजह बहन से इश्क लड़ाने की गलती तुमने की, अभी तक उसने मेरी मेरा सुख और चैन बर्बाद कर दिया। शौकी, शौकी, ओ शौकी भाई, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुम चादर लपेट के सो रहे हो। मैं तू ना खाम खाम ना फिर चिल्लाया मत कर, मैं उठूंगा, मैं तो बेहद खराब। भाईजान, ये बात आप महारानी निराली जी के सामने दूबदू जाकर खुद कीजिएगा। ये तुम्हारी जबान कट के लटक के नीचे गिर गई है, तुम अपने मुंह से नहीं फट सकते। सुन, क्या ये पांच रखो और वक्त पड़ा ना तो वफादारी दिखाएं। हाँ, काश ये बहाना मैं भी निराली जी के सामने जाकर करूं। अच्छा, सारा दिन इस घर के नौकर कुत्ते गधे की तरह काम करता है, अगर कोई एक बेचारा बीमार पड़ के बिस्तर पड़ गया तो क्या फर्क पड़ गया, गर्दन काट दोगे उसकी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की है। बस शौकी भाई, इस बात में मैं आपके साथ हूँ। घर पे सब जाग गए। हाँ, कब के? वो भी। वो कौन? अभी सोया और कौन? हाँ, वो तो सबसे पहले जाग गई थी। एक मिनट, तुम दोनों के बीच में कोई फड्डा हुआ है क्या? हम उनके हैं ही कौन? जातू भाई, और तू कितना भी बोल ले, कितना भी बोल ले, कितना भी बोल ले, आज तू मैं ना क्वार्टर से एक कदम बाहर नहीं रखूंगा। मेरा क्या, बता दूं मुझे? वो चोटी में सत्य थी वह मेरिया निराली, उन तू परेजी खाना खाएगी, अपना ख्याल रखना है तूने। हाँ, निराली जी के लिए परेजी खाना और सबके लिए नाश्ता बनाओ। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जा, जल्दी बनाया, खाते किसने बनाया था? अब शौकी ने। नमक हराम नहीं था, इतना नमक, नमक हरामी में भी नहीं होता जितना इसने सालन में डाल दिया। मेरा ब्लड पे वो वैसे कितने शौकी? वो सो रहा है नीचे आराम से। हैं? हाँ, मैं गया था उसको उठाने के लिए, वो आराम से पड़ा सो रहा था, कह रहा मेरी तबीयत खराब है। फिर मैंने उसकी नब्ज भी चेक की और माथा भी, टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी नीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब नहीं है। और नाइट बिफोर टुडे ना जनाजे का कह के गया था, फिर लेट नाइट किसी वक्त आया है वो। हाँ, वो किसी पार्टी में गया होगा शायद। इसकी पार्टी तो मैं बंक कर, हाँ देखती हूँ मैं। जोया को भी जरा मेरे हाथ में कर दे प्लीज, ऐसे कैसे चलेगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, किस वक्त की नमाजें आई हैं, माशाल्लाह खुद ही ऐड कर लिया आपने। कौन से गुनाह बख्शवाए जा रहे हैं? आपको नहीं पता निराली जी, लेकिन नमाज शैतानी कुवतों को हमसे दूर रखती है। मैं झूठ नहीं कह रहा निराली। इसका माथा चेक कर। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ठंडा हो रहा है, ठंडा नहीं तो और क्या, मैं गर्म पड़ूंगा। अरे जब से मैंने चुड़ैल को देखा है मेरी तो पूरी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है, ठंडे पसीने आते हैं मुझे बार बार। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इस घर में आसेब है निराली जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे इसलिए तो आपका भी बुखार नहीं उतरता, तबीयत ठीक है नहीं होती आपकी? भूत ना भूत, तेरे मैं कट दिया, तू फिक्र ना कर, बाहर निकल सीधी तरह, नहीं तो चुड़ैल से पहले ना मैं कट देना तेनू बाहर। नहीं, 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, बोले तू नहीं जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और बंटी, दो मिनट में इसको लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों को जान से मार दूंगी मैं। चुड़ैल को समझा।
ले आ लूं। नानी जी वो चुड़ैल सबको खा जाएगी, मैं बता रहा हूँ, वो खा जाएगी, वो आपको भी खा जाएगी, वो सबको खा जाएगी। बोले बंटी इसको बोलो मुझे नमक ढूंढ के दे, मुझे नहीं मिल रहा जी। और बंटी इनको बोलो अगर इन्हें कुछ भी चाहिए ना तो डायरेक्टली मुझसे बोल सकती हैं। हाँ। बंटी से कहो कि मैं बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, मुझे नमक दे। और बंटी इनको बोल दो कि मैं भी सिर्फ सच बोलने के मूड में हूँ। अब ये सच बोलेंगे तो मतलब यू डाउट माई फीलिंग्स राइट। ये लो दे दो, पूछ लो। मैं कोई पैगाम पहुंचाने वाला कबूतर नहीं हूं, ये पकड़ो खुद देना, मैं जा रहा हूं। ये लीजिए पूछ लीजिए। ओए एक मिनट। हाँ छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ छोड़ो मैं। हाय हाय की होया, हाय की होया है, बर्तन तोड़ दिया। हाँ मैं मर गई, किसने तोड़ा है, किससे टूटा है ये? मुझसे गिर गया निराली जी, सॉरी। सत्यानाश हो तेरा राज्य के। ये जो सुबह से तुझे जेनी चमड़े में है ना, इनकी ऑटो ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, कुछ सेट करना पड़ेगा मुझे, समझा? तू सेट खराब कर दिया मेरा। अरे तुझे क्या पता कितना महंगा सेट था, कि जो इसके लिए रखा हुआ था मैंने, कब तक वो कितना महंगा है। पैसे काटूंगी तेरी तनख्वाह में से, पैसे मैं कैसे काटूंगी, पूरी तनख्वाह भी काट ली ना तो उसके पैसे पूरे नहीं होने, इंस्टॉलमेंट में। जी कोई बात नहीं, हम काट ली रहे। और तू क्या ये बना रही है? आपके लिए बनाई थी, वो फ्रूट्स खाने से ताकत मिलती है ना बोन्स को, तो मुझे बड़ी कमजोरी हो रही है, जल्दी से बना के ला है। सबर का फल तो मिलता नहीं है, लेकिन ये जो है ना खबीस, ये चाहता है कि मैं कभी सेहतमंद ना हूँ, जानती हूँ मैं, पता नहीं क्या पड़ पड़ के फूकता रहता है मेरे ऊपर। मैं बना देती हूँ नई फ्रूट चाट बना देती हूँ। फ्रूट चाट का मैंने कहा बच्ची की हेल्प कर दो, क्या हेल्प चाहिए? ओए होए ओ खुश कर देता हूँ, मैं हो जाऊंगा भाई, हो जाऊंगा, गली कोई नहीं। वो शान एक गोली, ओए हो छह गोलियां लगन और फिर भी नहीं कुछ होया शान नु। ओए मैं सदके तीवा सीधे जी। और चुप कर, दफा हो इधरो, फिल्म तक रहे शान दी मैं। अरे सीधे जी बात सुने, इस एक्शन को छोड़िए, घर में जो एक्शन होने वाला है उसकी फिक्र कीजिए। कादा एक्शन की छोटी ने क्या जूडो कराटे सीख ली है? अरे इसको तो बंद कीजिए ताकि मेरी आवाज आप तक सही तरह डिलीवर हो सके। ए मर बस की होए गाल छोड़, जे तेरी खबर गलत हुई ते 50-76 पहनगे तेनू। 50-76 आहो जो खबर मैं लाया हूं ना, अगर आप सुनेंगे तो 50,000 रुपए इनाम देंगे मुझे। इतनी बड़ी खबर ले आके आए हाँ? एज कर 10 कर ले। 10 ठीक है, तो पहले इनाम बाद इसे आगा। इनाम दा पुत्र चंड मारेगा मुंह से 10। अच्छा वो अपना बात ऐसी है, वो अपना शौकी नहीं है शौकी। हाँ वो कोई खिचड़ी पका रहा है। अच्छा कल उसने मुझे 5,000 रुपए दिए, 5,000, और आज सुबह 500 रुपए। मैं तो हैरान ही रह गया, और जब वो मुझे पैसे दे रहा था ना तो मैंने टेढ़ी नजर करके उसके यूं करके पर्स में झांका, 5,000 के बहुत सारे नोट थे। अच्छा आप बताएं इतने सारे पैसे गरीब नौकर के पास कहां से आए? कसमें कसम तो खाऊंगा। और तो और वो जो अपनी जोया दीदी है ना, उसके साथ भी शौकी का कोई मसला चल रहा है। अगली सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही उससे। सीधे भाई शर्त लगा ले, कोई तो राज है जोया बीबी के पास शौकी का। ओ गल सुन बंटी, ये जिड़ा शौकी ते सोया, ये कोई वारदात ते नहीं पान वाले? कुछ भी हो सकता है, लेकिन शीदा बॉस आप फिकर नहीं करो। हाँ। मैं एक एक करके सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। हाँ और मेरे कान और मेरी आंखें
चौकी के साथ गोंद की तरह चिपकी हुई। गल्ली कोई नहीं, हो चुका भाई, हो चुका। शाबा भाई शाबा, मेरा शक का नफा हो गया है। उन ये जड़ा शौकी है, ये पहले दिनों मेनू शक पै गया सी, ओदी चाल ढाल है ना जो हीरो वर्गा लगता है, लेकिन नौकर कितने लगता ही नहीं सी। सही कह रहे। चलो कंफर्म हो गया ना बॉस, मेरा नाम सही कमीना है, दिहाड़ी बाज तू। अले फाड़। आखिर शागिर्द किसका हूँ? हाँ, बब्बर शेर दा। हो जुगा भाई, हो जुगा। चल संभाल। ठीक। गल छोड़, लस्सी दंगे ग्लास पड़ के लेके आ, मलाई पा के। ठीक है, चल ले अपना। रीना जी, ये आपकी चाय। हाँ प्लीज बॉस, बॉस प्लीज, आप ना आइंदा ये सब मत कीजिएगा। आप तो मेरे बॉस है ना, आपको घर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फील लाइक अ गेस्ट एट निराली हाउस। देखिए प्लीज, आप ये सारी बातें करके ना मुझे मजीद परेशान मत कीजिए। आप परेशान हैं? और नहीं तो क्या? क्यों? अरे वो आपकी बहन, वो अकेली ही बहुत है मुझे बहुत सारा परेशान करने के लिए। उस बेचारी ने पहली बार तो किसी को परेशान किया, प्लीज बर्दाश्त कर लेना। अब इतने सालों का गुबार है, किसी एक पे तो निकलेगा ना। रेलिना जी मैं समझता हूँ, मैं तो पूरी जिंदगी के लिए उसे बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, पर वो आइटम ही ऐसा है ना कि आपको पता है उस लेटर में एक्चुअली कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, खाली पेपर था। वो तो सब मैंने इम्प्रोवाइज किया। मेरे लिए? हाँ, नहीं मतलब आपको तो सुनाना था, पर असल बहाना तो उसको सुनाना था। वाओ, सोया से क्यों प्यार करते हैं? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने उस लेटर में भी कीड़े निकाल दिए। हाँ वो तो है ही मूडी, बट आई एम फ्लेक्सिबल, जैसा आप चाहेंगे वैसा मोल्ड हो जाऊंगी। मैं समझा नहीं आप क्या कह रही। अब आप देखिए ना, खुद आपका दोस्त है जो रेहान, वो रियलिटी में इतना बोंगा निकला, पर से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आई डोंट वांट कि आपकी मेहनत जाया जाए, इसलिए आई कैन गिव यू अ चांस। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा शौक थी। हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी लिस्ट में भी रेहान को ही रखिए। वो क्या है ना, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, थोड़ा सा बोंगा है वो, पर आई एम वेरी श्योर कि उसके दिल में जो भी है वो आपके सामने जरूर रखेगा। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? वो कह रहा है कि वो मुझे गोस्ट कर रहा था। मतलब किन लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं? लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते। आपको तो आप जैसे लड़के पसंद आते हैं जो तन मन धन से लड़की के लिए अवेलेबल हो, उसे प्यार करे। अलीना, मैं लेके जाना है तो मुझे लेके जाओ, ये बार बार क्या क्या आहिस्ता, अच्छा हुआ क्या है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों, मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो होश ठिकाने आ जाएगी, लग पता जाएगा क्या की है। थप्पड़ से डर नहीं लग, मुझे अपने रिएक्शन से डर लगता है। क्या हो गया है तुम्हें, उसकी बातों में क्यों आ रही है? I don't believe this. मासूम इंसान है वो। ऐसा तुम्हें लगता है ना अलीना? सच लगता है। तुम्हारे दिमाग का ना स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया। अच्छा देख, मैंने उसको लाइन करवाया, लेकिन आगे से उसने कुछ भी नहीं किया। शरीफ लड़का है वो। तुम्हें पसंद करता है, तुम एक बार उसकी बात सुन लो। नहीं तो मुझे बता देना, मैं अपनी लाइन कंटिन्यू रखूं। ये जो लाइन है वो तुम्हें करवा रहा है ना, इसी तरह की लाइन है वो मुझे भी मार चुका है। ये तो उसका काम है, ऐसे लोगों के ट्रिक होते हैं, पहले लोगों को अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, अपना काम निकलवाते हैं और फिर निकल जाते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है जोया, मैंने अलाउ कर दिया। आ बैल मुझे फंसा ले, आ बैल मुझे मार, ये भी कहोगी जब वो धोखा देके निकल जाएगा? आई डोंट गेट इट जोया, तुम मुझे इतना क्यों रोक रही हो? आज से पहले तो कभी रोका नहीं। आर यू गेटिंग जेलस? क्यों जेलस होंगी मैं? हाँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है। पहाड़ में जाओ। जोया मजाक कर रही थी ना मैं, क्या हो गया? मिस्टर शारो उर्फ शौकी, देखो इस सबसे मेरी बहन को दूर रखो, नहीं तो। अरे जोया जी, मैंने कुछ नहीं किया है, वो अलीना खुद ही। लड़कियां बेवकूफ नहीं होती, तुम जैसे घटिया लड़के उनको लारे लगाते हैं इसलिए वो पीछे लगती हैं। बस आप ऐसे नहीं समझेंगी जोया जी, मेरे बारे में एक बहुत जरूरी बात है जो आप नहीं जानती। अभी भी कुछ रहता है? बिल्कुल,
ये आप ही हैं। ये कहाँ से मिली तुम? आपको क्या लगता है सोया जी, मैं आपके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूं? कैसे आपका हर बिगड़ा काम बन जाता है? कैसे आपके रास्ते की रुकावटें खत्म हो जाती हैं? अरे जोहर जी, आजकल दुनिया में इंसान इंसान की मदद नहीं करता, करते हैं तो बस मुवक्किल्स। मुवक्किल्स जी जोहर जी, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं एक सेमी तांत्रिक हूं। आपकी पैदाइश 1994 22 अप्रैल, मंगल का दिन, मंगल, वक्त 5:06, हॉस्पिटल बेड व्हाइट एंड ग्रे, सच है? हाँ। तो जी, मैंने ये रूप आज तक किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया, आप वाहिद, इसीलिए आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास, मान लीजिए, फायदा अभी का। क्या? फ्रेंडशिप, दोस्ती कर लीजिए मुझसे, आप फायदे में रहेंगे। दोस्ती कर लो तुमसे? तुम ये अपना अंतक बंतक करके मुझे कबूतर भी बना लो ना और उड़ा भी दो, तो मैं तुमसे दोस्ती तो ना करूं? शौकी, इससे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये कोई सूफी उफी नहीं हो तुम। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया तुम्हारा, शाम 5 बजे अपना रेजिग्नेशन जाके निराली जी को दो, नहीं तो 5:01 पे मैं तुम्हारा सारा सच उन्हें बता दूंगी। मौकिल भी नहीं बचाएंगे तुम्हें तब। मेरी बात पर यकीन कीजिए सोया जी, चलिए मुझसे सोया जी, मत कीजिएगा ऐसा। ओम ब्रीम जी, यार क्या मिक्सअप। नहीं काटूंगा टमाटर। हाँ शाहरुख, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। और मैं आपको। कैसा है वो? डैडी बहुत बड़ा भंड हो गया। क्या हो गया? जोया को सब पता चल गया था ना, उसके बाद से तो वो मेरी दुश्मनी बन गई है। वो कैसे? अरे डैड, वो सब जानने के बाद बजाय इसके कि वो मुझे पसंद करे, वो मुझे धोखेबाज दगाबाज का टाइटल दे रही है। और तेरा भला हो जाएगा। अरे बेटा, ऐसे काम जो है वो एतमाद में लेके फिर किए जाते हैं। अरे डैड, मुझे तो यही लगा था ना कि मैं उसे एतमाद में ले चुका, और ऊपर से। ऊपर से क्या? वो ऊपर से मैंने एक और पैंतरा चलाया, उसे काबू में करने के लिए मैंने बोला कि मेरे पास मौकिलों की ताकत है, मैं कुछ सूफी बाबा तांत्रिक टाइप हूं, तो वो मुझे काला जादू करने वाला बेगैरत आदमी बोल के चली गई। अरे बेवकूफ, जब पैंतरे ऐसे बनाओगे तो भंड तो होंगे ना। अरे डैड, मैं अब क्या करूं, दिमाग का ना भरता बन गया है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि जोया को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। मतलब? तो मैं काम करूं, तुम जोया को किसी तरह मेरे पास ले आओ, और कोई किसी किस्म की बेवकूफी नहीं करनी। आपके पास? हाँ मेरे पास, बाकी मैं सब खुद संभालूंगा। पक्का ना? देखो डैड, ये ना हो कि आप भी कोई भंड मार दो। देखो मैं, हेलो हेलो, मैं अपनी लाइन खत्म होने के बाद सब फोन बंद कर देते। सोया, ये क्या हो गया? निराली जी। हाँ निराली, आप सो तो नहीं रही थी? अब उठ गई हूँ। अब वो मैं सोच रही थी कि आपके पैर दबा देती हूँ ना, आपको पता है पैर दबाने से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सुकून मिलता है। अच्छा, सो लग रहा है कर दूँ ना। तुम ऑफिस से ले गए आज? कौन है? ओए चौकी, तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो चुप चुप? अभी नहीं 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 नहीं, वो मैं तो पर्दा ठीक करने के लिए आ गया था। आपने कहा था ना ठीक रख रहा है। मैंने कब कहा था? आपने कहा था, आप भूल जाती है, पर आपने कहा था। मैंने कहा था निराली जी, आपने कहा था। जितनी जल्दी हो सके बाहर आना, ठीक है? ओके, हो गया। इधर कहीं खराब था? वो निराली जी, मैं सोच रही थी, बड़ों ने सही कहा है, जन्नत तो माँ के पैरों तले ही होती है। देखिए ना, हम कितने गुनाहगार से, लेकिन जन्नत अगर कमानी है तो माँ की खिदमत करना जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस करो मुझ पे, अकवाले जरिए पढ़े, याद है तुम्हें? नहीं नहीं निराली जी, बस आखिरत की भी तो तैयारी करनी है, हैं तो आप माँ ही।
तिराली जी, सोचा आपने वैसे कभी किसी दूसरे नौकर को रखने के बारे में? अकवाले जरी से ये नए सजेशंस कहां से आने शुरू हो गए हैं? नौकर क्यों, इतने सारे तो नौकर हैं यहाँ पे। दो दो ये दो दो नहीं है, ये 22 हैं, हैं? और इनकी तनख्वाह कहाँ से जाती है? मेरे पल्ले से जाती है, डोंट फॉरगेट। बैंकर्स वगैरह से ताल्लुक है नहीं मेरा। ठीक है, वाह शौकी भाई वाह, इंसान को ऐसा भी क्या गम कि अच्छे भले इंसान को जहाज ही बना दे। देख मेरा ना मूड नहीं है, इससे पहले कि मैं तेरे को डुबा के मार दूं तू चल जाए यहां से। एक शेर अड़ दे, हमने की वफा उससे जो नहीं जानता कि वफा क्या है। कैसा है? क्या बात है, मुझे क्यों सुना रहा है? वो एक दोस्त के स्टेटस पे देखा था, आपकी सिचुएशन बिल्कुल फिट बैठता है। क्या है, क्यों आया तू? नहीं मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता। बादशाह तो तुझे लगता है मेरे इधर एक कचरा दिन आ गया कि मैं तुझ जैसे घटिया आदमी की मदद लूंगा? मदद देने आया है बड़ा। तू चल रहे, जा रहे, चल। तो बचा ही कौन है, अपने दाएं बाएं तो देखे। मेरे अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप टेंशन ना लो, सब जानता हूं मैं शौकी भाई, मेरी वफादारी आपके साथ है, आपकी बात राज बना के अपने सीने में दफन रखूंगा। हाँ। बस वो अगर कमीशन मिशन मिलता रहे ना थोड़ा। बस आ गए ना वो कप पे। सॉरी लालची, ये देख ले, पूछे है कुछ है? सब जानता हूँ, जोया बीबी से आपका इश्क चल रहा है ना। मुझे पता है, जोया बीबी की 10 लाख की सैलरी है, लड़की भी मिलेगी और पैसा भी। कैसा खुटिया आदमी तेरे, क्या कैसे चोट से बोल रहा है तेरे को? मैं इतना कितना गंदा लगता हूँ मैं तेरे को? कैसी घटिया गंदी प्लानिंग करूंगा मैं तेरे को? तो पढ़नी चाहिए पढ़ी। बहुत जोर से मार दी। अरे आप मुझे आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। तो मतलब मैं तेरे पे भरोसा कर सकता हूँ? यस सर, पक्का पक्का। ठीक है, अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा ना तो मैं कसम खाता हूँ इसी स्विमिंग पूल में डुबा के तेरे को मारूंगा और तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अच्छा सर, शौकी ने जहर खा लिया है, जमीन पे पड़ा था, मुझे झाग निकलने झाग। तो एम्बुलेंस को फोन करो ना। वो नंबर नहीं था मेरे पास। मैं करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरा ख्याल है आप उसके पास जाए, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। निराली जी को बताते हैं ना। निराली जी? नहीं नहीं नहीं, निराली जी को मत बताइए, वो तो वैसे ही उसको देख के उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उनकी लाश देख ली तो उनका हार्ट अटैक ही हो जाएगा। निराली जी मर गया? नहीं मरा नहीं है, लेकिन जमीन पे पड़ा हुआ है, आखिरी सांसें ले रहा है। आप जल्दी चले जाइए कि ऐसा ना हो आपके जाने से पहले। चुप चुप, चकल अच्छी नहीं है, बात अच्छी किया कर बंटी। मैं जाके देखती हूँ, तू निराली जी को देख कहीं वो ना लुढ़क जाए। हाँ हाँ। शौकी, शौकी, ये कहाँ रे? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? पंटी बता रहा था। मैं ठीक हूँ ज़ोया जी, सही हुआ मुझे। Exactly. तुम तो बिल्कुल ठीक हो, बंटी को भी अपने साथ मिला लिया। सॉरी, आई एम सॉरी कि मुझे एक बार फिर झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन
लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरा आपसे एक बार बात करना बहुत जरूरी था। सोया जी प्लीज एक मिनट। प्लीज शौकी, हाथ छोड़ो मेरा। सोया जी प्लीज हाथ छोड़ो मेरा, वरना क्या करेंगी? शोर मचाएंगी, दिलाली जी को बुलाएंगी। बुला लीजिए, अब ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मेरी तरफ देखिए। सोया जी प्लीज, जितने भी लम्हे हमने साथ गुजारे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी आपको सच लगा तो बस उसकी खातिर एक चांस दे दीजिए मुझे। मैं वादा करता हूं, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। Promise you. Dear Jans, यही रट लगी हुई है ना तुम्हारी, चांस लेते हैं चांस लेते हैं। Dear Jans, पर एक बात याद रखना शौकी, this is the only chance you have. मेरे लिए एक ही काफी है। गल कमली हो जावेंगी, गल जे तू ना मानी, बैठे बैठे रुल जावेगी तेरी अतरी जवानी। ऐ नवीना गुस्सा करिए मान ना टूट जावे, जिस ते करिए नित परोसा कमला ओ लुट जावे। ना भेद भी कोई रखे, हर गल ते ओ लड़ जावे, जेड़ा प्यार जतो का देवे दूजी सा बिनावे, इश्कावे 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 इश्कावे। अपने हाथा ते ला दे मेरे ना दी मेहंदी, लिश्का मारे रूप सुनहरा ना जदों मेरा लेंदी। सपना मेरा सच हो जावे, तारे गिन के रात कट दे, दिन मेरा नहीं लंघदा। चन तू भी ज्यादा सोना, बुरी नजरां तो बचावे, जड़ तेरे वल आनी है मुड़ मेरे वल आ जा। दोबारा कह रहा हां, इश्कावे इश्कावे इश्कावे। अंदर चल। रोंदे रहंदे ने मेरे ने दिल कबरावे, आ जावे आ जा मेरी जान, चली ना जावे। बैठोगी? नहीं नहीं, बैठने नहीं आई मैं यहां पे। क्या आप हमारे कहने पे भी नहीं बैठेंगी? बेटा, या तो ये बात की वजह से है, लेकिन आज जब ये लौटा है तो सारी वजह आप है। आज अगर आपने इसकी दलील ना सुनी तो तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी। क्योंकि शेठ साहब ने भी हमें नहीं सुना था। आज आपने भी अगर वही किया तो ये सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेगा।
शेठ साहब ने खुद आपको मेरी गोद में दिया था और मुझसे कहा था कि अमीन तुम इसके छोटे अब्बा, आपके कान में एहसान भी मैंने ही दी थी। ए, हो की रहा है? क्या कहा था मैं तुम्हें? थिंग्स टू डू की लिस्ट कहाँ है तुम्हारी? हैं, सारे काम हो गए? वो जो पंखे साफ कर रहे थे बहन के कमरे के, हाँ कराए हैं तुमने? और वो जो लॉन्ड्री, उसके कपड़े इस्त्री होने थे, धुलने थे, वो दे दिए तुमने? जी, जो स्टोर में से वो जो कबाड़िए की चीजें निकालनी थी और बेचनी थी, उनका क्या हुआ? तुम यहीं पर खड़ोती रहोगी? हाँ, इतने काम पड़े हुए और बीफ स्टेक बनाना उसके लिए, बेचारी कमजोर हो गई है वो। और पायन जी मेरी जान, एंज करो कि ये जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना खराब के, तो इसमें से इसको पॉकेट मनी दे दें, हैं तो इसके बाप के ही ना, कोई गल नहीं। बिल्कुल सदका सदका है। अपनी बेटी पर इतना जुल्म होता देखकर मैं कैसे कुछ ना करता। चार माह की थी बेटा तुम जब तुम्हारी वालदा फरखंदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। सेठ साहब आपकी परवरिश के लिए बहुत परेशान थे। ताहिर है, आसपास जितने मर्जी मुखलिस लोग हो, मामा ही होती है। फिर एक महफिल में सेठ साहब की मुलाकात निराली जी से हुई। शायद मोहब्बत शायद ये ऐसी है, जब होती है तो कुछ और नहीं देखती। सेठ साहब को भी निराली से मोहब्बत हो गई। ये इस घर से के मोहब्बत के साथ साथ उनकी बेटी को मां भी मिल जाएगी। सेठ साहब ने निराली जी से शादी कर ली। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता सेठ साहब हर चीज से तत्परता होते चले गए। उन्होंने हर चीज का अख्तियार निराली जी को दे दिया, लेकिन निराली जी किसी और चक्रों में थी। उनका भाई शीदा आया करता था, वो कुछ खुफिया सी बातचीत किया करते थे। मुझे और सुरैया को शक हुआ। फिर एक दिन सुरैया ने देखा कि निराली जी के हाथ से वो कंगन गायब है जो सेठ साहब ने निराली जी को मुंह दिखाई के दिए थे। सेठ साहब ने भी निराली जी से काफी बर्दवा उनके बारे में पूछा, लेकिन वो हमेशा टालती गई। और फिर वो रात आई जिसने हम सबकी जिंदगियों को बदल दिया। मुलाजिम अमीन, बहुत वफादार बनते हो ना तुम सेठ साहब के। तुम्हारी बीवी को नहीं पता मेरे कड़े कहाँ गए, तो फिर क्या कोई माशूका रखी हुई है तुमने फैक्ट्री में? कुछ खुदा का खौफ कीजिए बीवी, सारी उम्र यहाँ गुजारी है, एक सुई इधर से उधर नहीं हुई है। आप जेवर और जवाहरात की बात करती हैं। खुदा का खौफ करें, ऐसा ना हो कि रोजे में शराब को हिसाब देना पड़ जाए। चोरी करो तुम लोग, नमक हरामी तुम लोग करो, और खौफ मैं खाऊं? सेठ साहब को बताऊंगी आज, बस बहुत हो गया मेरा सबर का इम्तिहान, और नहीं होगा इस घर में, या तुम लोग रहोगे या मैं। इस इल्जाम के बाद मेरा दिल किया कि जमीन फट जाए और
और हम दोनों उसमें समा जाएं। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। निराली जी मां बनने वाली थी और सेठ साहब उन्हें कोई सदमा नहीं देना चाहते थे। सेठ साहब को सच पता था। सेठ साहब ने हमें खुद वहां से चले जाने के लिए कहा। साथ में कुछ रकम भी दी। मैंने लेने से इनकार कर दिया तो सेठ साहब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे आगे हाथ जोड़े, कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ये रख लो, इससे मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने वो रकम रख ली लेकिन कर समझ कर। कि जिस दिन मेरे पास पैसे हुए मैं ये कर्ज जरूर लौटाऊंगा। और फिर उस रात शदीद बारिश थी, तूफानी रात थी वो। रख लो, शायद मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो सके। रख लो। बस फिर ये आपका एहसान और ये कर्ज लाजिम है मुझ पर। वक्त ने वफा की तो ये मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। उस दिन मैं वो कर्ज उतारने के लिए आया था। आप मेरी बाली की बेटी हो, उस बाली की जिसने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी। भाइयों से बढ़कर प्यार दिया। उस बालिक ने कभी मुझे डॉगर नहीं समझा। आज उसकी बेटी को इतनी जिल्लतें उठाता देखा तो कैसे चुप रह सकता था। कैसे कुछ ना करता। अपने अपने मालिक के ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। को चौकी, उसे अपना वक्त लेने दो बेटा। Chicago.